नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। अस्पतालों में लापरवाही के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जी हां, ताजा मामला सतनाली का है, जहां एक महिला के ऑपरेशन के बाद मौत होने से गुस्साए परिजनों ने मोहल्ला महाचयन जाने वाले रास्ते पर एक निजी अस्पताल के सामने रास्ते पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। मृतका के पति ने बताया कि उसकी 27 वर्षीय पत्नी रुखसाना आलम के पेट में तकलीफ थी। जांच करने पर उसके पेट के अंदर पित्त की थैली में पत्थरी थी। उन्होंने शहर के एक निजी अस्पताल में 12 जुलाई को ऑपरेशन करवाया था। चिकित्सक ने अगले दिन सफल ऑपरेशन होने की पुष्टि भी की थी। ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी दर्द बता रही थी, जिसके बाद उन्होंने चिकित्सक को बताया और चिकित्सक ने कहा कि इसका माइनर ऑपरेशन होगा जो बाद में ठीक हो जाएगा। बाद में पत्नी को ज़्यादा दिक्कत होने लगी और उसका पेट फूलने लगा। वो बाद में दूसरे निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर उसको कुछ घंटों के लिए एडमिट कर दिया। उन्होंने पत्नी का जब सीटी स्कैन करवाया तो उसमें आंत में कट लगने की रिपोर्ट आई। इसके बाद वो वापस उसी अस्पताल में लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने इसका दोबारा ऑपरेशन किया। उसके बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वो उसको रोहतक पीजीआई लेकर चले गए, जहां पर 3-4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने चिकित्सक पर इलाज के दौरान लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं और पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है, मैं गांव सतनाली डिस्ट्रिक्ट में अंतर्गत का रहने वाला हूँ। मेरे पेशेंट को, मेरे मैडम के नाम रुखसाना खातून है, उनको पीठ की थैली की पथरी की प्रॉब्लम थी। उन्हीं के इलाज के लिए हमने इस हॉस्पिटल में तसल्ली करने के लिए एक दिन पहले तसल्ली करके डॉक्टर ने पूरा भरोसा दिया। हम दूर दिन से ऑपरेशन तो करते हैं, तो आज कोई चीर फाड़ वाले ऑपरेशन नहीं होती है और बिल्कुल तसल्ली बख्श काम होता है। घबराओ मत, ठीक है, फिर हमें भी तसल्ली हो गया। इसके बाद से हम दूसरे दिन ले आए मैडम को, कब ले एडमिट करवाया, 12 तारीख 11 को हम तसल्ली करके गए और 12 को एडमिट करा और 13 को इनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया, तो डॉक्टर को हम बताने लगे। तो ऑपरेशन कब गई? 12 तारीख और 13 को हम सुबह, हमें जब दिखाया गया कि मैं ऑपरेशन का हो गया है, तो हम कहने लगे डॉक्टर साहब के पेट में दर्द हो, पहले इंजेक्शन लगा देते ठीक हो जाएगा, ताज़ा ऑपरेशन हुआ। हमने ऐसे करते 2 दिन काट दिया। 3rd दिन इनके पेट फूलना शुरू हो गया, पेट में ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है। जब इस पर हम 2-3 बार 4 बार कहने लगे, इन्होंने बोला कि एक अलग से माइनर ऑपरेशन होती है, उसमें लटा के और दूर से ऐसे खड़े होकर देख के और उसमें बता दिया कि भाई पेशेंट बिल्कुल ओके है, ठीक है, फिट है बिल्कुल, आप इसको ले जा सकते हो। अपने स्टाफ को बोला इसको डिस्चार्ज करो, ठीक है, इन्होंने डिस्चार्ज करवा दिया। उसके बाद हम महेंद्रगढ़ ही देव हार्ट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने पूरी रात 4 बजे के लगभग गए, वहाँ पूरी रात ट्रीटमेंट करी, फिर भी उन पर कोई सुधार नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, इसका सीटी स्कैन करवाओ। हमने महेंद्रगढ़ की आस्था लैब में सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में हमें पता चला कि इनके आँख को कट लग चुका है ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। जब यह बात बिगड़ी, जब इस डॉक्टर को पता चला, ठीक है, तो हम 2-3 आदमी को ले आया, तो इन्होंने कहने लगा कि आप कोर्ट सुविधाएँ नहीं थी। अब प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमें इंसाफ दिलाओ, हमारे बच्चे की कैसे देख रेख होगी उसके हिसाब से आप फैसला करो। आपकी पत्नी क्या नाम था जी? रुखसाना खातून। उम्र कितनी थी? 27 साल। तो अभी आज अपने जाम भी लगाए? उससे भी आपने बातचीत की, इंसाफ के लिए लगाया जी। मजबूरी में कोई भी किसी कदम उठाता है, मजबूरी के कारण उठाता है, ऐसे नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो, जब माँ खत्म हो जाती है तो औलाद खत्म हो जाता है। ऑपरेशन किया है, अपने पेशेंट को हम ठीक करेंगे, ठीक है। ऐसा करना आपको लिख के देना पड़ेगा, मम्मी कह रहा पहले भी लिख के दे चुके हैं, ऐसे नहीं होता है, पहले लिख के दे, वो दूसरे ऑपरेशन के लिए भी अलग से अगर पेशेंट को बचाना है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, तो मजबूरन हमें लिख के देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर चीरा लगा के ऑपरेशन करवाया, उसी आँत की ऑपरेशन ठीक करने के लिए पूरे पेट का चीरा लगा। आप चाहे देख भी सकते हो, डेड बॉडी यही मौजूद है, आप देख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगा, जैसे ऑपरेट करके ले आया शाम को लगभग अंदर ले गए, तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया हुआ था, लगभग थोड़ी बहुत वो इशारे में बोल रही थी, तो हमें भी थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं ठीक हो सकता है, हमने पूरे भरोसा किया। जैसे रात के 3 बजे इन्होंने मेरे से कहने लगा, आप दूसरे के बहकाव में मत आओ, ठीक है, हम अपने थ्रू ही बढ़िया जगह भेजेंगे, इसको रेफर करेंगे, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें तसल्ली नहीं हुई, हमने तो एक आदमी को बुलाया,
ठीक है, तो अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी, अकेला आया था। फिर एक दो आदमी आया तो उन्होंने फिर उनको अटेंड किया, उन्होंने समझाया उसको, उन्होंने मेरे को समझाया तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई। हम गया जब पैसे में रास्ते में ही लगभग डेड हो ली थी, ऑक्सीजन के कारण थोड़ा थोड़ा उनका सांस चल रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ रोहतक PGI में ट्रॉमा सेंटर में करवाया। ट्रॉमा सेंटर में जैसे ही भर्ती किया उसके 3-4 घंटे बाद इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर साहब बुला के हमें कहने लगे कि आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हो, और रात को लगभग 10-11 बजे के लगभग उन्होंने हमें मरीज दे दिया, डेड बॉडी दे दिया। फिर हम उसको लेकर रात को कहाँ के रहने वाले हो? सतनाली में। अच्छा, क्या मामला? क्या मामला हो गया? मामला ऑपरेशन किया था पथरी का, उसमें उसने हाथ काट दी, फिर वो बोला कि इसको रेफर ना घर ले जाओ, ठीक है ये। वो बोला कि भाई इसको तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, लेकिन तुम देखो इसको, नुबला नहीं ठीक है ये। फिर बोला दूसरे अस्पताल में, देव हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट वो किया तो उसमें उसकी आंत कटी हुई मिली। वो बोला कि भाई इसकी तो आंत में वो कट लगा। ये बोला कि कुछ भी तूने करना है वो कर, कोरट का चेड़ी कर, कुछ भी कर, हमें तो करना। कौन बोला? डॉक्टर बोला। तो हाँ। अभी आप लोग से क्या मांग कर रहे हो? अब प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, इनको न्याय मिलेगा। आपको न्याय दिलाओ, आपने अभी जाम भी लगाया। हाँ, न्याय दो। ये इन्होंने ऑपरेशन कराया था यहाँ पे, और उसमें इसी की लापरवाही के कारण ये नस कट गई, तो इसको बताना चाहिए था। 3 दिन में इन्होंने यही कहा कि नहीं ठीक हो जाएगी, सही है ये दर्द, और चिल्लाती रही मेरे ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उसके समझ में ये कहा कि आपके समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं और दिखाएं। जबरदस्ती देव हॉस्पिटल के अंदर ले गई, वहाँ बोले कि एक दिन इलाज किया उन्होंने, फिर बोला कि इसकी सीटी स्कैन करवाएंगे। वो करवाने के बाद बताया कि इसके तो ये नस कट गई, तब ये वापस बोला कि इसी उसी के पास ले जाओ। उसको पता चल गया था इस बात का, बोले आप यहाँ ले आओ, इस केस को यहाँ ले आओ, मैं ठीक कर दूंगा। और फिर बोला नहीं समझ में आया तब बोला कि जो करना है वो करो, कानून हमारे हाथ में ही है।